हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेप्सांग प्लेन्स तथा पेंगोंग सो लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर पर खतरे का आभास है। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी व देशवासियों ने सेना व सरकार के साथ संपूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए यह बात अनेकों बार दोहराई भी है। खेद की बात यह है कि मोदी सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से पूर्वतया यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल ना देश सेवा हो सकता और न ही राष्ट्रभक्ति। चीनी घुसपैठ के बारे भ्रम जाल की इस स्थिति के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हैं, जो मोदी सरकार के विपरीतार्थक बयानों की झूठ को जग जाहिर करते हैं। पहला, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि एंड आई कोट, न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। फिर 26 जून 2020 की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की एक न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए कहा कि चीन अपनी जिम्मेदारी समझ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की तरफ अपनी सीमा में पीछे हट जाए। इसके बाद 17 जून 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखित तौर से स्वीकार किया कि चीन ने गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर रखा है। 20 जून व 25 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने दो अलग अलग लिखित बयानों में यह स्वीकार किया कि चीन ने मई और जून 2020 में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। और अब 17 और 18 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद 17 जुलाई 2020 की शाम को उन्होंने एक सनसनीखेज और आश्चर्यचकित ट्वीट किया और कहा कि एंड आई कोट, चीन जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं, एंड आई कोट, कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, अनकोट। ताजा तथ्य पांच महत्वपूर्ण बात दर्शाते हैं। पहला, सैटेलाइट तस्वीर जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे भी रहा हूं और यहां आपको दिखाना भी चाहता हूं स्क्रीन पर, अगर आप देख सकते हैं तो। इससे साफ है कि चीन ने अब भी डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारतीय सीमा में न केवल कब्जा कर रखा है, परंतु लगातार भारत की कब्जा की हुई सरजमी पर सैन्य निर्माण कर रहा है। नंबर दो, यही नहीं, चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय सेना द्वारा भारतीय पेट्रोलिंग में बाधा पैदा कर रहा है। नंबर तीन, पेंगोंग सो लेक इलाके में अभी भी चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच पहाड़ियों पर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर रखा है, जहां 3000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसके विपरीत भारत ने फिंगर 4 पर स्थित
आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से पीछे मोदी सरकार ने भारतीय सेना को हटाकर फिंगर दो और फिंगर तीन के बीच ले गई है। नंबर चार, चीन ने डेपसांग के नजदीक उनके खुद के क्षेत्र में स्थित नारी गुंसा एयर स्ट्रिप, जो एक नागरिक हवाई पट्टी थी, उसे अब एक सैन्य हवाई पट्टी में बदलकर निर्माण कर लिया है, जो भारत की सीमा के बिल्कुल ठीक ऊपर मौजूद है, जिससे हमें सामरिक खतरा है। नंबर पांच, चीन ने सैनिकों के दो डिवीजन यानी 20,000 सैनिक से अधिक को लद्दाख में भारतीय इलाके के नजदीक तैनात कर रखा है। वह बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री जमा कर ली है। अगर ये सब खतरे का एहसास नहीं तो क्या है? इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार से हमारे पांच प्रश्न है। पहला प्रश्न, देश के लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जर्नल व सैटेलाइट तस्वीरों और अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ ना होने के बयान को साफ तौर से झूठलाया जा रहा है।